हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 3, जिसमें हम अगेन यहां पर 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले जो दोनों पार्ट है उसको मिला के हम अब 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के साथ ये 75 क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। हर पार्ट में मैंने आपको एक एक टॉपिक दिया हुआ पढ़ने के लिए। जैसे पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ स्ट्रिटीज के बारे में बताया था, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको लिंगराज टेम्पल के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर भी एक टॉपिक आपको मिलेगा जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 25 क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मिलेगा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। ये 2020 में न्यूज में रहता है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ से यूएसए इससे बाहर हो जाता है, तो इसके वजह से ये आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वॉज अ बाइलेटरल न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड यूएसए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है गलत है ये आपको बताना है। तो ये बायलेटरल ऑप्शन नहीं है, बायलेटरल ट्रीटी या डील नहीं है। इसमें आपको ईरान के साथ इसमें P5+1 ये शामिल रहते हैं। P5 यानी कि आपको जो UNSCOC के परमानेंट मेंबर से 5 वो इसमें रहते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको यूरोपियन यूनियन भी देखने को मिलता है, जर्मनी भी देखने को मिलता है, तो ये सारे इसके पार्टिसिपेंट रहते हैं। तो ये बायलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल। तो ऑप्शन ए जो होगा, 1 जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसके अंडर में क्या है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में ये कहा गया कि ईरान क्या करेगा कि अपने यहाँ जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उनके यहाँ, उसको वो रिड्यूस करेगा, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को रिड्यूस करेगा। ओके, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनमें भी कमी लाएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो उसको अलाउ करेगा, ये एजेंसी उसके यहाँ जब भी चाहे वो इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, इसके तहत ये क्या किया जाएगा कि यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, उन सैंक्शंस को यूएसए क्या करेगा, रिड्यूस करेगा धीरे धीरे। तो ये सारी बातें आपको इस डील के तहत में कही गई थी। तो ऑप्शन 2 देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि JCPOA obliged ईरान टू एक्सेप्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये बात सही है, इसको कम करना था, कंस्ट्रेंट था। वेरीफाइड बाई एन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रिजाइन, ये काम कौन करेगा, इंस्पेक्शन करने का काम ये एजेंसी करेगी। इन रिटर्न फॉर अ पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन, और रिटर्न में यूएसए क्या करेगा कि जो सैंक्शन लगे हुए हैं इकोनॉमिक सैंक्शन उनको रिड्यूस करने का काम करेगा। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन 2 जो होता है वो सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। न्यूज में जैसा मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 में इससे बाहर हो गए, तो फिर ईरान ने कहा कि अब हम इस डील के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको मानने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगर हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करना चाहती है तो हम उसको अलाउ करते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, ये सारा कुछ कहा गया है उसके एडिटर में। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट सिचुएटेड इन श्रीलंका। 2-3 क्वेश्चन तो लोग ऐसे ही गलत कर देते हैं, वो स्टेटमेंट में नॉट देखते ही नहीं, उनके वो मान लेते हैं कि इसमें पूछेगा कि कौन सा है, कौन सा सही है, वो उम्मीद ही नहीं करते कि निगेटिव भी पूछा जाएगा। तो इस चीज को एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, नॉट सिचुएटेड इन श्रीलंका, ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन काफी सिंपल है, पर ये ऑप्शन क्यों दिए गए हैं आपको एक बताना है अलग चीज। हम्बनटोटा, ये आपको पता है ये तो श्रीलंका में होगा, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये पता ही होगा। हम्बनटोटा जिस पर कर्जा लिया हुआ था श्रीलंका ने और डेवलप किया गया था भाई इसको चाइना के द्वारा, लेकिन श्रीलंका वाले लोन नहीं चुका पाए तो चाइना श्रीलंका को कुछ उसका शेयर चाइना को बेचना पड़ा। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा चाइना के पास चला गया। हम्बनटोटा श्रीलंका में। सितवे पोर्ट की बात करें तो आपने एक डील साइन हुआ था जिसका नाम था कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांसिट डील था, जो साइन हुआ था इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, तो मल्टी मॉडल ये डील था, प्रोजेक्ट था। मल्टी मॉडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रोड, रेलवे और वाटर वेज भी डेवलप किए जाएंगे। ओके, तो इस कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांसिट के थ्रू क्या किया जाएगा कि सितवे पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा भारत के द्वारा, सितवे पोर्ट बनाया जाएगा। और ये सितवे पोर्ट कालादान रिवर के माउथ पर पड़ती है, जहां पर कालादान रिवर आके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो वहां पर ये इंडिया सितवे पोर्ट को भी डेवलप करेगा। तो इस हिसाब से सितवे पोर्ट जो है वो आपको म्यांमार में पड़ता है, वो श्रीलंका में नहीं पड़ता।
तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा कि सीपीए पोर्ट आपको श्रीलंका में नहीं म्यांमार में पड़ता है। तो मेरा पर्पज था आपको कालादान प्रोजेक्ट के बारे में बताना। तो इसको आपको याद रखना है कि एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल का मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो रेलवे हैं, रोड्स हैं, वाटरवेज है, सारे डेवलप किए जाएंगे। सिथवे पोर्ट भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। और वो इनलैंड वाटरवे जो होगी वो कालादान रिवर से होके जाएगी। तो ये म्यांमार के साथ, तो उसके बाद बाकी सब जो है ये श्रीलंका में। सेकेंड, अगेन यहाँ पर एक मैप से क्वेश्चन, तिगड़े रीजन लाइज इन विच कंट्री, तुनिशिया, पुर्तगाल, इटली एंड इथियोपिया। मैप में ही आपको दिखाया गया है एक अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है इथियोपिया, कैपिटल अदिस अबाबा, और इसका जो वेस्ट नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन, ये टिग्री रीजन में आता है। तो ये भी न्यूज में था, तो आपको थोड़ा सा लोकेशन जानना है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर क्वेश्चन मैप से ही और अफ्रीका से ही। इससे पहले हम इस रीजन के अफ्रीका के बारे में हमने लेक ऑफ विक्टोरिया के बारे में डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, कि लेक ऑफ विक्टोरिया के आसपास से कौन सी कंट्रीज होती है, बाउंड्री शेयर करती हैं। तो उस कुछ ऐसा ही इसी रीजन में एक और क्वेश्चन देखते हैं, इरिट्रिया, दजीबोती एंड सोमालिया, ये जो तीन कंट्रीज हैं इस किस कंट्री के साथ, फॉलोइंग यहाँ पर जो फॉलोइंग कंट्रीज हैं इनमें से किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ पर आपको इरिट्रिया है, ये सोमालिया है, और ये आपको दजीबोती है। तो इरिट्रिया, दजीबोती और सोमालिया, ये तीनों जो है आप देखेंगे कि इथियोपिया के साथ ये बाउंड्री को शेयर करती है। तो ऑप्शन ई जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड बाय स्टॉकहोम ट्रीटी एंड इसको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर पीस इन 2012 में। ये कुछ कीवर्ड, तो पहला ऑप्शन की स्टॉकहोम ट्रीटी, इसके द्वारा इसको नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था मैस्ट्रिज एक ट्रीटी है, ओके, मैस्ट्रिज ट्रीटी जो कि 1992 में साइन किया गया था, उसके द्वारा स्टॉकहोम ट्रीटी को बनाया जाता है। इससे पहले इसके यूरोपियन यूनियन के पहले यहां पर जो हुआ करता था बॉडी उसको हम कहते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यू नो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करता था, ईईसी। इसको पहले बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1957 में, ओके, और बाद में इसका नाम चेंज करके मैस्ट्रिज ट्रीटी के द्वारा इसको यूरोपियन यूनियन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले गैट बना और गैट का नाम बाद में चेंज करके बहुत सारे उरुग्वे राउंड्स हुए कॉन्फ्रेंस के, और बाद में उसको डब्ल्यूटीओ किया गया। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी आपको मिलेगा। तो ईईसी इकोनॉमिक यूरोपियन, सॉरी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। इट वॉज अवार्डेड 2012 में पीस के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये ऑप्शन सी है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउथी रेबल्स, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, ये कहाँ से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये हमेशा न्यूज में रहता है, न्यूज पर पढ़ते होंगे, तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं, ये यमन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरेंट्स सी, हमने वर्ल्ड मैप भी किया हुआ है, बताना है कि बैरेंट्स सी कौन से ओशियन में पड़ता है, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक एंड नॉन ऑफ द एव। तो मैप में देखेंगे ये बैरेंट सी है, इस तरह आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पड़ जाती है, नॉर्वेजियन सी है, इधर आपको ग्रीनलैंड पड़ता है, इधर ये रशिया वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। तो ऑप्शन ई जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसस इन इंडिया बिगेन इन 1872 अंडर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज अंडरटेकन इन 1881। तो हमने एक और क्वेश्चन किया हुआ था पिछले पार्ट में इंडिया सेशन से रिलेटेड। तो हाँ, पहला जो सेंसस इंडिया में किया गया था ये 1872 में किया गया था, बट जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो ये तो सही है। अगर हम ब्रिटिश वायसराय की बात करें तो उस समय ब्रिटेन इंडिया का वायसराय लॉर्ड मायो रहते, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और दोनों सही होगा, तो बी आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीस इज फॉर्म ऑफ टैक्स चार्ज लेविड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्सपेयर। तो सेस क्या होता है, सेस क्या होता है कि एक ऑलरेडी टैक्स लगती है, उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जो सेस कहलाता है। इफ द सेस कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर ईयर गोज अनस्पेंट इट कैन बी एलोकेटेड फॉर अदर पर्पस। तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। सेस जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेस हो गया, पुल सेस हो गया,
ओके, इन्वायरमेंट सेस हो गया, और जिस पर्पस के लिए सेस लगाया जाता है किसी उसी सिर्फ उसी चीज पर ही उसको स्पेंड किया जा सकता है, किसी दूसरे चीज पर उसको स्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर वो उस साल खर्च नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे साल खर्च किया जाएगा, और लेकिन उसी चीज पर खर्च किया जाएगा, इसलिए ये अदर पर्पस पर खर्च नहीं हो सकता। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, पहला आपका सही है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको सरचार्ज से रिलेटेड है, तो कुछ सरचार्ज उसी तरीके का होता है जैसे एडिशनल टैक्स चार्ज पेमेंट दैट कंपनी एड्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो उसी पे लगता है, जैसे कि आप गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उस पर एडिशनल ये टैक्स लगाए जाते हैं जिसको हम सरचार्ज कहते हैं। तो सरचार्ज इज अ वे टू इनडायरेक्टली पास कॉस्ट टू द कंज्यूमर, ये सही बात है कि इनडायरेक्टली टैक्स की तरह ही ये काम करता है। ऑप्शन ए और बी जो होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ओपिक कंट्रीज की यहाँ पर बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट तेहरान कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर इन कराकास। पहली चीज, ये तेहरान कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। ओपेक कंट्री जो बनी थी वो बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही यहाँ पर इसको बनाया गया था 1960 में, तो ये तेहरान के थ्रू नहीं हुआ था, तो ऑप्शन वन इज रॉन्ग। इसका हेडक्वार्टर आपको कराकास में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है वियना में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है ये, ओके, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया इन यूरोप, तो ये होगा, तो ऑप्शन सेकंड जो होगा ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा। नॉन ओपेक कंट्रीज यानी कि वो कंट्रीज जो ओपेक का पार्ट नहीं है लेकिन वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो वैसी कंट्रीज को ओपेक प्लस कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 2020 में ओपेक न्यूज में रहता है क्योंकि कोविड के समय पे आपने देखा था कि जो क्रूड ऑयल था उसका प्राइस काफी कम हो गया था, तो जो ओपेक कंट्रीज थी वो चाहती थी कि प्रोडक्शन को कम किया जाए ताकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो फिर से ऊपर आ पाए। तो इसके लिहाज से ओपेक कंट्रीज ने रशिया से भी बात की थी, अब रशिया जो है ना वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है लेकिन वो ओपेक का पार्ट नहीं है, तो वैसी कंट्रीज जो ओपेक का पार्ट नहीं है लेकिन वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है तो वैसी कंट्रीज को मिला के ओपेक प्लस कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं इंक्लूडिंग रशिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज उसमें आती हैं। इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर ऑल्सो मेंबर ऑफ ओपेक, नहीं भाई ये तो गलत बात है, ये ऑप्शन ए तो आपका सही हो गया था। ऑप्शन दो में देखिए कि इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर पहले मेंबर हुआ करते थे ओपेक के, इक्वाडोर, इंडोनेशिया बाहर हो गए, कतर ने भी ये अप्रोक्स 2020 में ही बाहर हो गया। कतर का कहना था कि अब हमारा जो पोटेंशियल है वो क्रूड ऑयल में नहीं है, हमारा पोटेंशियल अब नेचुरल गैस में है, तो इसलिए अब हमारा ओपेक में कोई काम है नहीं, तो इस वजह से कतर भी वहां से बाहर हो गया। तो ये तीनों जो है ना अब इसके मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन ई जो ये सेकंड जो है वो गलत हो जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। कतर से एक और चीज मुझे याद ही बता दूं मैं आपको कि इंडिया जो अपना नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, जितना करता है इंपोर्ट उसका 90% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ कतर से ही आता है, ओके। इंडिया जितना नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है उसका 90% वो सिर्फ कतर से ही इंपोर्ट करता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, सही है। सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, बिल्कुल क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट, बिल्कुल सही बात है ये भी, ओके। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। अ क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड्स, ये भी सही है, इसमें कोड्स के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको चुराया नहीं जा सकता, इसलिए इसको सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म की तरह माना जाता है क्रिप्टोग्राफी को, ओके। तो ऑप्शन ए और बी जो होगा वो दोनों सही हो जाएगा, तो सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्रिप्टोग्राफी से कई सारे क्वेश्चन क्लियर में आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो जैसा कि नाम ही है इसका क्या, टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। इसको 2002 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ओके। इस अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल गलत बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं है,
ये MHRD के द्वारा शुरू किया गया था। अब कहिएगा कि MHRD तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, लेकिन ये अभी हुआ है ना, उस समय तो HRD मिनिस्ट्री ही थी, तो अब ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। इस फंडेड बाई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा ही इसको फंडिंग की जाती है। अब ऑप्शन में कभी एग्जाम में आपको मिल सकता है, इसके जगह पे आपको वर्ल्ड बैंक मिल सकता है, लिखा होगा कि इसको फंड किया जाता है वर्ल्ड बैंक, तो आप क्या करेंगे, गलत लगाएंगे सही लगाएंगे? जब वर्ल्ड बैंक भी लिखा हुआ मिले ना, तो आपको सही ही लगाना है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन है ये जो फंडिंग करने का काम करता है। तो या तो आइडिया आए या फिर वर्ल्ड बैंक भी आए, तो आपको ये ऑप्शन सही लगाना है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसी से एक और रिलेटेड, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब ये कहना चाहती है कि हम TEQIP यानी कि जो भी हमने पहले देखा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को रिप्लेस करके एक नया प्रोग्राम लाना चाहते हैं, जिसका नाम होगा मेरिट प्रोजेक्ट। अभी ये पास नहीं हुआ है कैबिनेट के द्वारा, बट इस प्लानिंग टू रिप्लेस, ये ऑप्शन सही है। तो ये मेरिट भी जो होगा ना, ये भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही काम करेगा। M2 टेक्निकल एजुकेशन इज ए की कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है, तो ऑप्शन दोनों जो होगा इसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर पीपल आर पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर दे वर थॉट टू बी एट बर्थ। तो बर्थ के समय जिनकी जेंडर मेल या फीमेल होती है, उससे ये अलग होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इनकी आइडेंटिटी अलग होती है। तो बर्थ के समय पर मेल और फीमेल बताया जाता है, बट इनकी ट्रांसजेंडर जो आइडेंटिटी होती है ना, वो बर्थ के समय पर नहीं बताया जाता। ऑप्शन ए सही है, वन सही है। बी की बात करें तो जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन आर डिफरेंट थिंग्स और सिमिलर थिंग। जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आर सिमिलर थिंग, नहीं ये तो अलग अलग चीज है ना, कि जेंडर आइडेंटिटी का मतलब मेल फीमेल हो गया और या ट्रांसजेंडर हो गया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना कि आपका झुकाव किसके तरफ है, ठीक है? अगर आप फीमेल हैं तो आपका झुकाव मेल की तरफ है या फिर फीमेल की तरफ है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है? तो आप जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप फीमेल ही हैं, बट आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ना वो अलग हो सकता है, मेल की तरफ या फीमेल की तरफ। इसका दूसरा पक्ष भी सही है, मेल अगर आप है तो आप जेंडर आइडेंटिटी तो मेल है ना, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हो सकता है कि आपका फीमेल की तरफ हो, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मेल की तरफ हो ओरिएंटेशन, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके? तो ये सिमिलर चीज नहीं है, तो ऑप्शन दो जो होगा वो गलत होगा, तो ई ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। PDS इज द फूड सिक्योरिटी सिस्टम, सही बात है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये गलत बात है, क्योंकि जो PDS आता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी अंडर में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अफेयर्स है मिनिस्ट्री, उसके अंडर में ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये नहीं आता। ऑप्शन जो एक गलत होगा, स्टेट लेबर कॉरपोरेशन प्रोक्योर एंड मेंटेन्स PDS। मेंटेन करने का काम तो स्टेट करते हैं, लेकिन प्रोक्योर करने का काम स्टेट लेबर कॉरपोरेशन नहीं करती है। प्रोक्योर करने का काम कौन करता है? FCI करती है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो स्टेटमेंट दो जो होगा ना, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका टी जो होगा नहीं, तो वन और नॉट टू ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर स्पाउसेस व्हिच अलाउज देम टू लिव एंड वर्क इन इंडिया इनडेफिनेटली। तो आपने देखा होगा कि PIO और OCI इस दोनों को मर्ज कर दिया गया और इनको लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई, जिसके पास ये कार्ड रहेगा उसके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, ठीक है? तो वो इंडिया में आके कभी भी रह सकता है, कितना भी दिन तक वो चाहे तो रह सकता है, वो या उसके जो स्पाउसेस वगैरह। तो परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है, इट इज इंडियन ओरिजिन एंड देयर स्पाउसेस एंड अलाउड टू लिव इनडेफिनेटली, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आइए, ये दे दिया गया। इसके अलावा OCI कार्ड ग्रांट राइट टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस, क्या OCI कार्ड इनके पास होगा, क्या वो इंडियन इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं?
ये ऑप्शन ए तो सही है नहीं, लेकिन ऑप्शन दो जो है ना गलत है, क्योंकि हमारे इलेक्शन में वोट देने का अधिकार सिर्फ हमारे सिटीजन्स को है। ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, ये हमारे सिटीजन्स नहीं होते हैं, बशर्ते कि ये है कि इनका रूट इंडिया में होता है, ये इंडियन ओरिजिन होते हैं, बट ना ये किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन, तो इसलिए इनको हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन दो जो होगा गलत होगा, तो ई जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चिल्का लेक इज डिजाइनेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये बात सही है कि इंडिया में रामसर कन्वेंशन के अंडर आने वाला इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड ये चिल्का लेक। चिल्का लेक इज एट द माउथ ऑफ दया रिवर। ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। अब देखिए, ये जो महानदी रिवर है ना, ये महानदी रिवर जब आप बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है तो कई सारे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि आपको देवी रिवर हो गया, देवी रिवर देन अब भार्गवी हो गया, आपको भार्गवी दया रिवर, ये सब में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, और फाइनली ये चिल्का में गिर जाती है। ओके, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये भी सही हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में है, शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, तो ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में है। तो सीधा से इसका आंसर छत्तीसगढ़, अगर आपको आता है तो आप लगाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, मागुरी मोतापुंग वेटलैंड, ये आपको कहां पर मिलता है? ये मिलता है आसाम में। देखिए, ये सारी जो चीजें मैं करा रहा हूँ ना, ये सभी न्यूज में रहे हैं, ये करंट अफेयर्स है। तो पिछले मई 2020 से हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया हुआ है, तो सारे न्यूज में रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मागोरी मोतापुंग वेटलैंड ये आपको असम में मिलता है। इसके बाद यहां पर एक स्पीसीज की बात की गई है, हिमालयन श्रेयो। हिमालयन श्रेयो रिजर्व्स रिजेंबल्स अक्रॉस बिटवीन गोल्ड एंड एन एंटीलोप। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये गोल्ड की तरफ भी दिखता है, ये एंटीलोप की तरफ दिखता है, कभी कभी काउस की तरफ, या कभी कभी पिग की तरफ भी दिखता है, पिग, ओके, इसकी तरफ भी ये दिखता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये लगता है, ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें कि आर फाउंड इन यूरोप एंड एशिया, ये यूरोप में नहीं मिलता, ये केवल एशिया में मिलता है, ओनली इन एशिया, ये केवल एशिया में मिलेगा, और एशिया में ये मिलता है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में भी ईस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय के साइड में मिलता है, ये ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जनरली मिलता है आपको 2000 से लेके 4000 मीटर के हाइट तक ये मिलता है, और ट्रांस हिमालय का जो हाइट है ना, वो उससे कहीं ज्यादा हाइट है उसका, ठीक है। तो ये जनरली ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं, ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता। इसको पहली बार साइट किया गया, तो पहली बार ये देखने को मिला था स्पीति में, जो कि हिमालय में है, ओके। और ये न्यूज में इस साल इसलिए रहा क्योंकि इसको हाल फिलहाल इसको आसाम में भी देखा गया, दैट्स व्हाई ये न्यूज में है। तो ये याद रखना है, केवल एशिया में मिलता है ये, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंडर में ये शेड्यूल वन के अंडर में आता है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल कैटेगरी, बट इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ये शेड्यूल वन के अंडर में आता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब इससे ज्यादा शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता भी है ना तो ऑप्शन इस तरीके से होगा कि आप इतने ही इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इसको आराम से लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसरो स्टेटस एज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, ये बात सही है। इसरो को इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के तौर पर 1962 में स्टार्ट किया गया था, उस समय इसके जो चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई को बनाया गया था, बाद में ये इसरो के नाम से कन्वर्ट, और इसरो ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये तो बात सही है भाई। तो ये दोनों जो आपका होगा ऑप्शन सी, ये सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? शैडो पैड इज अ बैकडोर ट्रोजन मालवेयर, तो बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर है जो कि डेटा चुराने के काम करेगा, इंफॉर्मेशन चुराने के काम करेगा। ये क्या करता है कि मान लीजिए ये एक सर्वर है जहां पर इस मैलवेयर को रखा गया है,
और ये आपका पीसी है या फोन है जो भी है, ठीक है, तो इस सर्वर से ये इसमें भेजा जाएगा किसी मीडियम के थ्रू, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ओके, किसी थ्रू से ये भेजा जाएगा। अब ये क्या करेगा कि इस टारगेटेड पीसी या फोन में आकर के एक रूट, एक रास्ता ये जनरेट करेगा अपने सर्वर और इस टारगेटेड पीसी के बीच में। अब इस रास्ते के बीच में क्या काम होगा, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किया जाएगा सर्वर में, या फिर अगर किसी दूसरे मालवेयर या वायरस को इंट्रोड्यूस करना है इस फोन या पीसी में तो वो भी इस रास्ते के थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक ये फनल टाइप का क्रिएट करता है सर्वर और टारगेटेड डिवाइस के बीच में। तो शैडो पैड ओपन्स अ सीक्रेट पाथ, दिस इज द सीक्रेट पाथ, तो इस सीक्रेट पाथ के थ्रू इंफॉर्मेशन का शेयर किया जाएगा कमांड इन कंट्रोल सर्वर, ये सर्वर जो है कमांड इन कंट्रोल है जहां से इनको कमांड और कंट्रोल किया जा रहा है, और ये क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का या किसी दूसरे मलिशियस कोड को अगर भेजना है तो वो उसके लिए काम करेंगे। तो ये शैडो पैड भी न्यूज में रहता है और ये आपका बैकडोर ट्रोजन मालवेयर, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हैंडक्राफ्ट से भी क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में। तो पोचा माली सारीस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, तो बताना है कि ये पोचा माली साड़ी जो आप फिगर में देख पा रहे, काफी कलरफुल साड़ी है ये, कि काफी महंगी मिलती है ये, तो बताना है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सेक्शन में ये आपको तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है पोचा माली पोचम पाली साड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगेन नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन और देखेंगे। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और पार्ट नंबर 4 में। थैंक यू एंड गुड लक।